अष्ट शहीद दिवस पर हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बलिया के सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त, राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर भी रहे मौजूद। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी की इस कार्यक्रम में शिरकत। कार्यक्रम में लोगों ने अष्ट शहीदों को दी अपनी अपनी श्रद्धांजलि। 18 अगस्त 1942 को शेरपुर गाँव के 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे शहीद। तहसील पर तिरंगा फहराते हुए अंग्रेजों की गोली से हुए थे शहीद। खबर गाजीपुर से है, जहां अष्ट शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अष्ट शहीदों की स्मृति में मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर भी मौजूद थे। दो चीजें, एक तो जो प्रधानमंत्री जी ने सपना दिया है उसे युवा कितने प्रेरित हो रहा है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ का निर्माण जी जो निरक्षण अवस्था में है, तो मैंने तो नहीं किया है ना जी। नहीं, हम निर्माण करा देंगे बस इतना पर। यूपी के नव नियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में लोगों ने अष्ट शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गाजीपुर में 18 अगस्त 1942 को शेरपुर गांव के 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए थे। मोहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा फहराते हुए ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हुए थे, और इन्हीं की याद में हर साल यहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है, और इसमें तमाम लोग इकट्ठा होकर देश के इन वीर सपूतों को अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा, समय आज के दिन नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं मेरा ये संकल्प रहेगा, मेरा एक लक्ष्य रहेगा कि इस बिल्डिंग को जो शहीदों के स्मारक जैसा है उसको हम लोग ठीक कराएँ। स्मृतियों में कोई चिन्ह बाकी रह गए उसको रखा जाए मुझे, और ये आप देख रहे हैं खुद ही कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अगर इसको ठीक कराए तो बहुत सुंदर यहाँ पे संग्रहालय बन सकता है, पुस्तकालय चाहे जाए बन सकते। तो हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश से भी और केंद्र से भी हम लोग यहाँ धनराशि लाएं और इसको ठीक करें। यही हम लोग का संकल्प रहेगा कि आने वाले समय में यहाँ पर ना केवल ये बिल्डिंग बल्कि बाहर भी एक सुंदरीकरण रहे कि यहाँ लोग आ सकें और देखें और जान सकें शहीदों के बारे में, ऐसा हम लोग मनाने का प्रयास। नीरज जी, प्रधानमंत्री जी ने मेरा माटी मेरा देश नारा दिया है, इसे युवाओं को किस रूप में प्रेरणा मिल रही है और क्या संदेश मिल रहा है? ये तो एक संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री, ये एक स्मृति वन बनाया जाए, गाँव हर गांव से, इस देश के हर गांव से मिट्टी लाकर दिल्ली में एक स्मृति वन बने, जहाँ ये हर देश का हर एक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये बताना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री। इसलिए हर जगह से मिट्टी लाकर कि हर क्षेत्र महत्वपूर्ण हो, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे दक्षिण के राज्य हो, चाहे उत्तर के राज्य हो, सब जगह एक समान विकास हो और लोग सुख से रह सके। यूपी न्यूज 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।